बात आ गई तो अर्ज करता है, चलो अपने लिए भी अर्ज कर रहा हूं, आपके लिए भी अर्ज कर रहा हूं। आयतुल्लाह बहजा से किसी ने पूछा, ये अल्लाह ने बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल इबादत क्यों हमें दे दी हैं? तो आयतुल्लाह बहजा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इबादत के जुमरे में तुमसे ये नहीं चाहा कि नाखून से पहाड़ खोदो। अब कोई नाखून से पहाड़ खोद सकता है? नहीं। बचपन में हमारी वालदा मरहूमा कहती थी, देखो नमक गिराओगे तो रोज़े क़यामत पलकों से उठाना पड़ेगा। अब सोचते थे पलकों से कहते उठाएंगे, यानी तरबियत करते थे कि इसराफ ना हो। आयतुल्लाह बहजत ने कहा कि अल्लाह ताला ने इबादात के जुमरे में हमसे ये नहीं चाह के नाखून से पहाड़ खोदे, नहीं, वही इबादत दी है जिसको हम अंजाम दे सकते हैं। और कहा सबसे मुश्किल इबादत बताओ कौन सी है? उन्होंने कहा नमाज शब। सबसे मुश्किल नींद छोड़ना इंसान के लिए, खाना छोड़ देगा, चाय छोड़ देगा, सिगरेट छोड़ देगा, आराम छोड़ देगा, नींद नहीं छोड़ी जाती। धरती होते मौसम लोग सोते होते बस सोते ही रह जाते हैं। नींद छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए। उन्होंने कहा ये नमाज शब भी जो सबसे मुश्किल इबादत है ये भी कुछ नहीं है। पूछा आगा कैसे है? कहा कि सोने के वक्त को थोड़ा सा मुनज्जम करना है, अगर अजान से आधा घंटा पहले उठना है तो आधा घंटा पहले सो जाओ। अब कितना आसान जिंदगी, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, दोस्ती यारी, कचहरी जी, खबरनामा, ड्रामे, तुर्की ड्रामे, फला ड्रामे, ये ड्रामे, वो ड्रामे, ARY, फला फला फला, जान छोड़ेगी तो अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होंगे? उलमा रात की तारीख में उठते थे और जब नमाज इशा पढ़ने जाते थे तो कहते थे अस्सलाम अलैके या रसा आदम सफतिल्ला, अस्सलाम अलैके या अबा अब्दुल्ला, मौला ये वो नमाज अदा कर रहा हूं जो उसकी तौफीक मिली है जिसको आपने करबला में बचाया था। अल्लाह अकबर, नमाज का लुत्फ तो वाला हो जाता था। उठा के देखिए, कभी करके देखिएगा, कुरान की तलावत जाइए। आज एक छोटा सा सूरा, एक बहुत ही टिप बता के जा रहा हूं आपको, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, अगर चाहते जिंदगी बरकत आए, कुरान खोलिएगा, सूरह इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर उठाइएगा, खुलू से नीयत से तिलावत किएगा और इमाम जमाने की वालिदा को हजिया किएगा। ये जो कुरान उठा रहे हैं आप, कुरान उठाकर जो पढ़ेंगे ये हजिया करेंगे, आपकी जिंदगी की बरकत आएगी, लुत्फ दोबाला हो जाएगा। और अगर और लुत्फ चाहते हैं तो फिर कुरान उठाएं, करबला की तरफ रुख करें, ए हुसैन अब उस कुरान की तिलावत कर रहा हूं अपनी जिंदगी में कि जिसे तूने नोके नेजा पे तिलावत करके दुनिया को सुनाया था। क्या है लुत्फ दोबाला हो जाएगा आपका? नमाज से पहले हुसैन को सलाम कीजिए, चौदह करबला को सलाम कीजिए, देखिए नमाज का लुत्फ दोबारा। नमाज की अगर मोहब्बत नहीं है, दुआ करें इमाम हुसैन से, दुआ करें हज़रत अली अकबर से कि वो आपको ये लुत्फ, ये तवज्जो, ये संजीदगी अता करें। दुरूद भेजिए मोहम्मद आल मोहम्मद पर।